मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो स्टूडेंट, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी मैनर में ये टॉपिक हम सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ें, क्योंकि हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जाता है। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस, और इन डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है मेमोरी। तो मेमोरी ना केवल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, बल्कि जब कभी भी हम उस डेटा इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना चाहें तो रिट्रीव करने के लिए भी यूज होती है कंप्यूटर मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस वेराइटी ऑफ डिवाइसेज टू स्टोर दीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेज को यूज़ करता है, विच आर कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइसेज, जिनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेज। लेट्स सी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। इसके अलावा रजिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं दोज आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे। लेट्स सी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद प्राइमरी मेमोरी फॉर एनी ऑफ द प्रोसेसिंग। तो कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के साथ ही डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ये है सीपीयू। तो ये हमेशा प्राइमरी मेमोरी के साथ ही डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे ये है प्राइमरी मेमोरी, तो सीपीयू हमेशा इसी के साथ कम्युनिकेट करता है कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। तो प्रोग्राम्स प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाते हैं प्रोसेसिंग से पहले। इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट भी होती है। इट स्टोर्स डेटा टेम्परेली। ये डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है। जैसे ये है इसके अंदर डेटा, तो जैसे काम फिनिश हो जाता है ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है और नया डेटा इसके अंदर आ जाता है। तो ये डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज। ये साइज में स्मॉल होती है। इट इज़ कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी से कॉस्टली भी होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये फास्ट होती है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं रैम और रोम। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इट स्टोर्स सिस्टम प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फाइल्स परमानेंटली। तो ये डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और सिस्टम प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करती है सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरीज डायरेक्टली। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये है सेकेंडरी मेमोरी। तो सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस करता है। ये है सीपीयू, ये है प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को ही डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले डाटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। फर्स्टली द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज मेमोरीज इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो मेन मेमोरी में जाती हैं एंड देन एक्सेस बाय सीपीयू, फिर सीपीयू उनको एक्सेस करता है। इट इज़ मच लार्जर इन साइज देन मेन मेमोरी। तो ये मेन मेमोरी से साइज में बड़ी होती हैं और ये एज द ओवरफ्लो मेमोरी रहती हैं। यानी जब हमारा प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है वो ओवरफ्लो करने लग जाए, क्योंकि ये लिमिटेड होता है साइज में, तो इसका डेटा अगर ओवरफ्लो करने लग जाए तो वो डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में हम स्टोर कर लेते हैं। और जब कभी भी एक्सेस कराना हो तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी में आता है और फिर सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है। इट इज सेकेंडरी मेमोरी साइज में लार्ज होती हैं। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी और ये मेन मेमोरी से स्लो होती हैं। ये रहती हैं फास्ट और ये होती हैं स्लो। एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो पेन ड्राइव जिसके अंदर हम जो है अपना जनरली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जब कभी भी चाहें उस डेटा को हम एक्सेस करा सकते हैं। हार्ड डिस्क में भी हम परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं और फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज एरिया है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारे परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। बहुत ही हाई स्पीड की मेमोरी रहती है कैशे मेमोरी। कई बार जो सीपीयू है वो फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, हाई स्पीड का होता है सीपीयू, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उसकी स्पीड को जो है मैच नहीं कर पाती। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू बहुत फास्ट होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी कई बार जो है उसकी कंपैरेटिव स्लो होती है। ठीक है,
तो ये जो है इस स्पीड मिसमैच को कम करने के लिए हम बीच में लगा देते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो कि बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड सीपीयू। तो इस हाई स्पीड सीपीयू के साथ इसकी स्पीड को मैच करने के लिए हम जो है यूज़ कर लेते हैं कैशे मेमोरी, जो कि बहुत ही हाई स्पीड रहती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो रैम रैम जो कि है प्राइमरी मेमोरी, तो रैम और सीपीयू, रैम और सीपीयू इन दोनों के बीच में जो है ये एज ए बफर का काम करती है। यानी जब तक कि प्राइमरी मेमोरी डेटा को मतलब स्लो रख रही है, और तब तक ये जो कैशे मेमोरी है इसके अंदर डेटा जो है स्टोर रहता है। सीपीयू फास्टली इसके साथ कम्युनिकेट करता रहता है, ठीक है, कैशे मेमोरी के साथ, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी रहती है। तो इसके अंदर सारा डेटा एज ए बफर स्टोर होता रहता है, और यहाँ से डेटा जो है इस रैम के अंदर जाता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये फास्ट है तो ये तब तक डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक कि प्राइमरी मेमोरी के पास जो है उतना टाइम ना हो जाए उस डेटा को रखने लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कई बार स्लो होती है, तो इतने फास्ट होने की वजह से डाटा यहाँ स्टोर होकर के रहता है। कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी से कॉस्टली भी होती है क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड रहती है। इट रेड्यूसेस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो कैशे मेमोरी की वजह से काफ़ी कम हो जाता है। एवरेज टाइम को ये कम कर देती है डेटा एक्सेस करने का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।